अवेलाय बहुत गंदी होती है, मानना पड़ा। इस टाइम हम लोग उसी फेस में हैं, वॉशरूम ना जा पाना, खाना ना खा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया सुशील वर्मा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो कुछ इस तरह है ना कि कहते हैं ना कि जो इंसान की नज़र होती है वो पत्थर भी तोड़ देती है, तो बस ऐसे ही कुछ हम लोग के साथ में हो जाता है। बीच कुछ में अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ अच्छी खासी चीज़ें थी, बट क्या हुआ ना कि मेरा बाथरूम में पैर फिसल गया। ठीक है, दोपहर में हम लोग ने इसलिए कल वीडियो शूट नहीं करी, अभी मैं सुबह सुबह शूट कर रही हूँ और हस्बैंड को वापस से स्लिप डिस्क का पेन होने लगा। गाइस कहते हैं ना कि जिसको जो मिलता है वो अपने मतलब अपने उसका मिलता है, हम किसी के जेब से लेने नहीं जाते हैं। ठीक है, बट फिर भी मतलब पता नहीं क्या है, क्या होता है, मतलब ये चीज़ मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ नज़र भी लगती है, क्योंकि ऑल्दो हम लोग इतना बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों पे, बट हाँ मानना पड़ता है कि नज़र लग जाती है। ठीक है, और हस्बैंड को वापस स्ट्रिप टेस्ट का दर्द होने लगा। अभी उनको दवा दी हुई हूँ, मतलब रात में भी दवा देनी होती, सुबह भी दी हूँ, तो उसमें दवा में ना नशा है, मतलब वो दवा खाने के बाद उतना होश नहीं रहता है, क्योंकि क्या होता है जब बॉडी रिलैक्स रहेगी, मसल्स रिलैक्स रहती है तो आदमी सोता है, तभी उसको और ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होता है। तो मैंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया, मैंने पूछा कि भाई मैं क्या करूँ, अचानक से थोड़ा थोड़ा पेन उठ रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो घबराने की बात तो नहीं है, आप 24 घंटे का उनको रेस्ट दीजिए पूरा पूरा, और मेडिसिन मैं बता दे रहा हूँ वो खिलाइए। तो मैंने तुरंत मेडिसिन ऑर्डर करी, मेडिसिन खिला दी हूँ और दर्द हो रहा है, मतलब धीरे धीरे आराम हो रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है अभी, तो वेट करते हैं, क्योंकि कल शाम को मैंने 8 बजे कॉल किया था नियर डॉक्टर को, तो अभी तो सुबह के 9 बजे हुए हैं, तो 12 घंटे हुए हैं, 12 घंटे और वेट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है, क्या है मतलब सिस्टम। उसके बाद अगर नहीं आराम होगा तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि भाई जो फेस मैंने देखा है ना, मतलब वो बहुत भयानक है, आप कह सकते हो, मतलब इतना बड़ा इंसान 25 दिन बेड रेस्ट और उसके बाद फिर वॉशरूम ना जा पाना, खाना ना खा पाना, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हाँ हमने कर दिया, ऐसे हो गया, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दर्द होता है भाई, और जो झेलता है ना उसी को पता होता है। और सुबह सुबह भाई मैं छत पर आ गई हूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, मेडिसिन देना था, तो मैंने ब्रेड और चाय दे कर मेडिसिन खिला दिया, बाकी काम अभी कर लूँगी मैं धीरे धीरे। और अब क्या है ना कि बेबी भी है, तो मैं उनका भी उतना केयर नहीं कर पा रही हूँ जैसे मतलब बेबी के साथ में करना होता है ना, तो गाइस आप समझिए, क्योंकि ये चीज़ होती है, क्योंकि बच्चा भी रोने लगता है तो फिर उनको छोड़ो, फिर बच्चे को चुप कराओ, तो ये चीज़ें हो जाती है। और जो मैं नज़र वाली बात कह रही हूँ ना, तो ये भी गाइस होती है, आपको मानना पड़ेगा, मतलब मैं भी बिल्कुल नहीं मानती थी कि छोड़ो यार ये सब बकवास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग का ये होता है ना कि जैसे अरे ये लोग तो आराम से रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट वो क्या देखते हैं, आप लोग क्या देख रहे हो व्लॉगिंग में, जो मैं बना रही हूँ वो देख रहे हैं ना, बाकी व्लॉगिंग के पीछे क्या हो रहा है, हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ क्या कर रहे हैं, मैं हूँ, मैं बेबी को केयर कर रही हूँ, बेबी की केयर के साथ हाउस होल्ड संभाल रही हूँ, उसके बाद भी मैं और क्या कर रही हूँ, ये आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि हम लोग रादर देन क्या करते हैं, क्योंकि आज का जो मतलब सिचुएशन है इसमें ना, एक बंदा अगर काम करेगा, और प्राइवेट जॉब है मेरे हस्बैंड की, अच्छी कंपनी में है, मतलब नामी कंपनी है, बट स्टिल जो बोलते हैं ना कि इंसान अगर बैठना नहीं चाहता है तो वो बहुत ढेर सारे काम करता है, क्योंकि कुछ गोल्स होते हैं, कुछ अचीवमेंट वो करना चाहता है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए उसे और हार्डवर्क करना होता है। इस टाइम हम लोग उसी फेस में हैं, काफ़ी कुछ अचीव करना है, काफ़ी कुछ गोल्स हैं हमारे, हम दोनों के ही, तो उन्हें अचीव करना है, तो उन्हें अचीव करने के लिए भाई मतलब बोलते हैं ना कि इतनी मुश्किलें आती हैं, इतनी खुशी भी आती है, मतलब हर चीज़ें होती है, बट कभी कभी ना ऐसा होता है कि मुश्किलें जो होती हैं, जो गड़बड़ सिचुएशन होती है ना, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ना मन ऐसे मतलब कच्चा कच्चा सा होने लगता है, ये लगता है अरे यार वापस से ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ठीक है, और जबकि मतलब हम लोग सोचिए, आप खुद ही किसी के हिस्से का नहीं लेते, जितना देता है ना भगवान देता है, वो अपनी जेब से देता है, कोई इंसान अपनी जेब से नहीं देता है, बट फिर भी अब नज़र इतनी भयानक होती है ना, वो सही है मैं बोल रही हूँ ना, जो इंसान की नज़र होती है वो पत्थर तोड़ देती है, तो हम लोग तो वैसे भी मासूम बच्चे ही हैं अभी यार, क्या ही एज है। ठीक है, तो सोचिए मतलब
कैसे क्या, आज बहुत नम फील कर रही हूँ। हस्बैंड सो रहे हैं अभी, बेबी भी सो रहा है साथ में, बट अभी डॉक्टर से वापस बात करूँगी मैं। तो वैसे तो आराम है क्योंकि डॉक्टर ने बोला था रात भर कि आप सीधे लेटे रहो, तो अभी उन्होंने टर्न लिया है तो पेन नहीं है। और ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम शेयर में नहीं कर पाई, मतलब मैंने कहा कि छोड़ो क्या ही आप लोगों को बताऊँ, बट अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के साथ में चीज़ें शेयर करनी चाहिए मुझे, तो इस वजह से शेयर कर रही हूँ। और बहुत जल्द सारी चीज़ें भी बताऊँगी कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है गाइज, अभी यहीं तक रखती हूँ वीडियो को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थोड़ा सा प्रे करिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए। और गाइज स्टिल सेफ और एवेलाय, बहुत गंदी होती है, मानना पड़ेगा भाई। ओके बाय बाय।